यह कहानी हरपट्टी पंचायत के चक्का गांव की है, जो कि बहादुरपुर प्रखंड के दरभंगा जिला में पड़ता है। इस गांव की एक आंगनबाड़ी केंद्र का भवन 2 साल से अधूरा बन के पड़ा है, जिसके कारण यहां के समुदाय के बच्चे तथा सेविका को बैठने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ जो है सो करीब 1 बरस से ऊपर हो गया, किसी तरह हम लोग अपना ये जमीन था, जमीन दिए, भराई किए, सब कहा कि एक आंगनबाड़ी केंद्र बने, क्योंकि ये आंगनबाड़ी केंद्र अभी वर्तमान में चल रहा है, छोटा सा है, 40 बच्चा का सवाल है, 40 बच्चा एडजस्ट करना है, उतना जगह नहीं है यहाँ, जिसके वजह से बच्चों को तरह तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे धूप, ठंडा, बारिश के मौसम में बच्चे लोग बहुत परेशान होते हैं, जैसे कि पढ़ने में भी बहुत ही बच्चों को दिक्कत होता है। ये नया प्रमुख जो आया है सो आई मुखिया जो है हमारा जो अभी मुखिया है, ये दोनों मिल करके जो है सो वहाँ अरंगा लगाया हुआ है। बार बार हम जाते भी हैं तो बोलते हैं एक पैसा नहीं देंगे, जो हमको वोट नहीं दिया उसका फंड का कोनो हम रिलीज करवे नहीं करेंगे। ये फंड किसके द्वारा मिलना था आपको? ये फंड जो है सो पंचायत समिति सदस्य है मीनू कुमारी, हरपट्टी पंचायत के पंचायत समिति संख्या 12 का मीनू कुमारी पंचायत समिति सदस्य है, उन्हीं के फंड से बना है, 13वीं वित्त उनके फंड में था, तो वही जो है सो यहाँ आदेश की अपने पैड लेटर पर जो है तो लिख करके दी वीडियो को और कही कि बनाइए। भरवली हमको कहा गया पंचायत समिति के द्वारा कि मेरा फंड है बनाइए, हमने बनाया, 1,30,000 हमको फिनांस करना पड़ा है और अभी तक जो है तो वो टांग अड़ाए हुआ है। 1 साल की समझिए, 2 साल से ये लटपटाए हुआ है, 1 साल से हम बनाना शुरू किए, या देखिए खिड़की के तक ला दिए हैं, अभी तक 1 पैसा नहीं दिया, बोलता भी है कि हम 1 पैसा नहीं देंगे, इसमें जो अपना जो है तो तोड़ तार दीजिए, हम नहीं देंगे। इसके लिए आप CDPO के इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाए, मोबाइल नंबर है 9431003578 पर कॉल करके हमारी मदद करें। मैं मंगनुराम बिहार दरभंगा से इंडिया अनहर्ट के लिए।